अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो पोलर रीजन है, एक को कहते हैं आर्टिक और दूसरे को कहते हैं एंटार्क्टिक। पहले मैं आपको आर्टिक के बारे में बताता हूँ। आर्टिक ये एक ग्रीक लफ्ज आर्टिको से निकला है, जिसका मतलब है ऑफ द नॉर्थ। आर्टिक में जो एक जानवर है वो ज्यादा पाया जाता है और वो है पोलर बियर। इसके अलावा आर्टिक की जो डीपनेस है वो 13,980 फीट है। आर्टिक में आबादी बहुत ज्यादा है बनिस्बत एंटार्क्टिक के, और वहां की जो टेम्परेचर है वो -40 तक पहुंचती है। आर्टिक में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर वेजिटेशन या और जो खुराक की चीजें है वो अवेलेबल है, यानी ज्यादा मिलती है। आर्टिक की एक पहचान ये है कि इसके इर्द गिर्द आपको लैंड ही नजर आएगा। इसके बगैर अगर हम एंटार्क्टिक की बात करें तो एंटार्क्टिक भी ग्रीक वर्ड है से निकला है एंटार्क्टिकोस, जो कि अपोजिट है ऑफ द नॉर्थ। और इसमें एक जानवर आपको मिलेगा और वो है पेंगुइन। इसकी जो एनुअल टेम्परेचर है वो -90 तक पहुंचती है, और यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ही कम है। और ये दुनिया का पांचवा बड़ा कंटिनेंट है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को दो पे डिवाइड करें, यानी दो ऑस्ट्रेलिया को मिला ले, तो इससे भी बड़ा ये कंटिनेंट है। और यहाँ पे जो स्नो है तो उसकी जो विड्थ है वो 1.6 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो कभी कभार -90 तक भी पहुंच जाता है। और वहां यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं, यानी 1600 से 1700 लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो भी ज्यादातर वो लोग रहते हैं कि जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। और एंटार्क्टिक के इर्द गिर्द आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आर्टिक के इर्द गिर्द लैंड होगा और एंटार्क्टिक के इर्द गिर्द पानी ही होगा। जी नाजरीन, ये था आर्टिक और एंटार्क्टिक में फर्क, यानी डिफरेंस। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो इंशाल्लाह मैं और भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। शुक्रिया।